हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ, एक्स्ट्रा क्यूट क्यूरिंग वाइफ और कोल्ड हार्टेड हस्बैंड की लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा हीरो मनस्तु 27 ईयर ओल्ड है, जो एक ऑफिस में वर्क करता है। मनस्तु अपनी मदर की हेल्थ को लेकर परेशान होता है। उसकी मदर काफी समय से बीमार होती है। मनस्तु को लगता है अगर वो शादी कर लेगा तो मे भी उसकी मदर को खुशी मिलेगी और शायद वो ठीक हो जाए। पर प्रॉब्लम यहाँ ये है कि मनस्तु के कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो मनस्तु अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक डेटिंग ऐप डाउनलोड करता है और अपने लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढता है। इसके बाद एंट्री होती है कहानी की हीरोइन हरतु। इमोशनली सफर कर रही होती है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने 5 साल डेट करने के बाद सडनली बिना किसी वजह के ब्रेकअप कर लिया। हरतु इससे बाहर निकलना चाहती है। हरतु को अपने फोन पर एक डेटिंग ऐप का एड दिखता है। हरतु ऐप डाउनलोड कर लेती है। कॉन्सिडेंटली ऐप में सबसे पहले हरतु को मनस्तु का ही प्रोफाइल दिखता है, जो अपने लिए शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा है। जिस दिन मिलेगा उसी दिन शादी कर लेगा। हरतु मनस्तु के प्रोफाइल को देखकर सोचती है, क्या उसे बिना प्यार के शादी करनी चाहिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है दोनों अपने पर्सनल रीजन की वजह से एक दूसरे को बिना जाने एक दिन में ही शादी कर लेते हैं, यानी अरेंज मैरिज। दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते, क्या पसंद है, क्या काम करते हैं, कुछ भी नहीं। हरतु मनस्तु के साथ उसके घर रहने लग जाती है। हालांकि अरेंज मैरिज है, हरतु फिर भी इसे चलाना चाहती है। लेकिन अभी तक दोनों ने अपने पेरेंट्स को भी अपने मैरिज के बारे में नहीं बताया है। हरतु का शादी के बाद ऑफिस में फर्स्ट डे होता है। उसका एक एम्प्लॉय उसके पास आता है। उसे पता है हरतु का ब्रेकअप हो गया है, पर यह नहीं पता कि हरतु ने शादी भी कर ली है। तो एम्प्लॉय हरतु से उसके घर डिनर करने के लिए पूछता है, लेकिन हरतु को मना करना पड़ता है क्योंकि मनस्तु ने सभी को बताने से मना किया है। इसके बाद हरतु एक शॉप पर कुछ क्रोकरी खरीद रही होती है, तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड वहां आकर उसके साथ मिसबिहेव कर रहा होता है। मनस्तु सही टाइम पर एंट्री करता है और हरतु के एक्स बॉयफ्रेंड को उससे दूर करके बोलता है, मेरी वाइफ से दूर रहो, ज्यादा फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है। एक्स बॉयफ्रेंड ये सुनकर शॉक हो जाता है। एक दिन में हरतु ने शादी भी कर ली। बेचारे को माफी मांगकर वहां से जाना पड़ता है। इसके बाद हरतु घर आकर मनस्तु को थैंक यू बोलती है उसके एक्स को सबक सिखाने के लिए। मनस्तु बोलता है, वो तो मेरा फर्ज था, आखिरकार मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। हरतु को समझ नहीं आता क्या बोलूं, क्योंकि अभी उसे खुद यकीन नहीं हो रहा उसने शादी कर ली है। लेकिन मनस्तु की बातें हरतु के दिल की हार्ट बीट बढ़ा देती है और हर वक्त मनस्तु के बारे में सोचने लग जाती है। एक दिन मनस्तु और हरतु को पता चलता है कि दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि दोनों वहाँ टकरा जाते हैं। लेकिन मनस्तु हरतु को वहाँ एक एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करता है। हरतु के साथ की कुछ कलीग्स उसे मनस्तु के साथ देख लेती हैं और उससे पूछती हैं, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। मनस्तु बोलता है, बस काम के पर्पस से मैंने एक बार इनसे बात की थी, यह कहकर चला जाता है। कलीग हरतु को बताती है, मनस्तु पूरी कंपनी में फेमस है, टॉप सेल्स का अवार्ड उसे मिल चुका है, साथ ही गुड लुकिंग भी है। फर्स्ट टाइम हरतु को पता चलता है उसका हस्बैंड कितना स्मार्ट है। ये सुनकर हरतु सोचती है, क्या होगा इन्हें पता चलेगा कि मनस्तु मेरा हस्बैंड है। इसके बाद हरतु और मनस्तु घर पहुंचते हैं। मनस्तु हरतु को मना कर देता है ऑफिस में किसी को भी बताने से कि वे मैरिड कपल है। हरतु एग्री हो जाती है और सोचती है, हरतु ऑलरेडी पॉपुलर है तो शादी के लिए ऑनलाइन लड़की क्यों ढूंढ रहा था और मैं ही क्यों। फिर सोचती है, कोई नहीं, मनस्तु को इम्प्रेस करके अपना बना कर रहूंगी। इसके बाद मनस्तु जान कर रात को छोटे कपड़े पहनती है, मनस्तु के साथ क्यूट बिहेव करती है। मनस्तु समझ जाता है हरतु ये सब क्यों कर रही है और डायरेक्टली उससे पूछ लेता है, कहीं इसलिए तो सब नहीं कर रही हो क्योंकि मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहती हो। हरतु को एम्बैरेसिंग फील होता है। मनस्तु उसे बोलता है, ये तब कहना जब तुम मुझे पसंद करती हो। इसके बाद हरतु ऑफिस में मनस्तु से मिलने जाती है और उसे बाहर बुलाती है। मनस्तु हरतु से पूछता है, क्या हुआ। हरतु बोलती है, कुछ नहीं, बस तुम्हें देखने आई थी।
मंतस्सु पर कोई असर नहीं होता और उसे बोलता है घर पर एक पैकेज आएगा, वो उसे रिसीव कर लेना। पीछे से मंतस्सु अपनी वाइफ की बेवकूफ भरी हरकतों पर हंसता है। घर जाकर हरतु को पता चलता है कि उसके हस्बैंड को खाना भी बनाना आता है, वो भी परफेक्ट। मंतस्सु हरतु के लिए रात के लिए पहले ही डिनर बना कर रख कर जाता है। हरतु सोचती है मेरा हस्बैंड इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है हर चीज में, मुझे भी मेहनत करनी होगी उसकी तरह अच्छी वाइफ बनने में। नेक्स्ट मॉर्निंग हरतु अच्छे से तैयार होती है, एक्स्ट्रा क्यूट लगती है हस्बैंड को इम्प्रेस करने के लिए, और उसे लगता है उसका हस्बैंड ऑफिस जाने से पहले उसे किस करेगा। मंतस्सु जानकर एक्टिंग करता है और ऑफिस चला जाता है। मंतस्सु अपनी वाइफ को समझ गया है। ऑफिस में मंतस्सु अपनी एक क्लाइंट से बात कर रहा होता है, तभी हरतु वहाँ आ जाती है। हरतु उस लेडी को पहले से ही जानती है क्योंकि वे इससे पहले एक रेस्टोरेंट में मिल चुके हैं। हरतु उनके साथ काफी क्यूट बिहेव करती है। क्लाइंट के जाने के बाद मंतस्सु हरतु को समझाता है इतना क्यूट मत रहा करो सभी के साथ। हरतु समझ नहीं पाती मंतस्सु ऐसा क्यों बोल रहा है। इसके बाद हरतु ऑफिस में काम कर रही होती है। होरे नाम का एक एम्प्लॉय जो मंतस्सु के अंडर काम करता है हरतु के पास आता है और उसे साथ लंच करने के लिए पूछता है। तभी मंतस्सु वहाँ आकर देख लेता है और सुन भी लेता है। इससे पहले वह दोनों लंच पर जाए होरे को काम पर लगा देता है। घर में मंतस्सु हरतु से नाराज होता है। हरतु अपने हस्बैंड से पूछती है क्या तुम जेलस हो। मंतस्सु बोलता है नहीं, तुम्हारी क्यूटनेस एक स्कीम है, लोगों को मिसअंडरस्टूड हो जाएगा और वे गलत समझ लेंगे, और आगे से कभी ये क्यूटनेस की स्कीम मुझ पर भी मत अपनाना। नेक्स्ट डे हरतु मंतस्सु से ऑफिस में उससे मिलने जाती है। वहाँ हरतु को मंतस्सु और होरी की बातों से पता चलता है कि होरी ने एक ही टाइम पर दो क्लाइंट की मीटिंग अरेंज कर दी है और उसमें से एक हरतु की फ्रेंड है। हरतु को पता है उस क्लाइंट को बेकरी की बिस्किट पसंद है। हरतु अपने हस्बैंड का दिल जीतने के लिए फटाफट से बेकरी से बिस्किट लाती है और मंतस्सु को देती है। क्लाइंट को देने के लिए कहती है। शाम को मंतस्सु घर वापस आता है और हरतु को बताता है कि डील हो गई है तुम्हारी वजह से, उन्हें तुम्हारा तोहफा पसंद आया। हरतु की क्यूटनेस काम कर जाती है, दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में मंतस्सु उठता है और सामने अपनी वाइफ को देखकर शॉक हो जाता है और उसे बोलता है सुबह सुबह मेकअप क्यों लगाया हुआ है। हरतु बोलती है क्योंकि मैं और क्यूट दिखना चाहती हूँ उसके सामने जिससे मैं प्यार करती हूँ। मंतस्सु बोलता है ठीक है, पर तुम मुझे घूर क्यों रही हो। हरतु बोलती है ये मेरा प्यार है, क्यूट फेस बनाने लग जाती है। मंतस्सु बोलता है ठीक है मैंने देख लिया है, अब मैं फेस वॉश करके आता हूँ। हरतु को गुस्सा आता है फिर से उसका हस्बैंड ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। मंतस्सु वॉशरूम में बोलता है ये इतनी क्यूट क्यों है, क्यों क्यूटनेस के अटैक मुझ पर करती है, कौन सोचेगा इतनी क्यूट लड़की मेरी वाइफ है। के बाद हमें दिखाया जाता है कि पूरे ऑफिस में रूमर्स फैल जाते हैं शायद मंतस्सु की कोई गर्लफ्रेंड है। हरतु वहीं होती है और ये सब रूमर्स सुनकर खुश हो रही होती है क्योंकि किसी को नहीं पता वो लड़की हरतु ही है और शादी भी कर ली है। तभी ऑफिस का एक एम्प्लॉय हरतु पर लाइन मारता है। मंतस्सु नोटिस कर लेता है उस एम्प्लॉय को। मंतस्सु को गुस्सा आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मरतु अपनी वाइफ को उस एम्प्लॉय के साथ देख लेता है जो उसे लाइन मार रहा था। एम्प्लॉय हरतु को आज बाहर साथ चलकर कोई डेजर्ट खाने का ऑफर दे रहा होता है। हरतु भी जानकर अपने हस्बैंड को जेलस कराने के लिए उसमें इंटरेस्ट दिखाती है। मरतु का उनकी बातें सुनकर दिमाग खराब हो रहा होता है। मरतु जानकर हरतु को मैसेज करता है तुम्हें उसके साथ डेजर्ट खाने जाना चाहिए। हरतु को गुस्सा आता है उसका हस्बैंड जेलस क्यों नहीं हो रहा है। मरतु ऐसा मैसेज इसलिए करता है उसे लगता है उसकी वाइफ नहीं जाएगी, पर हरतु चली जाती है। आखिरकार उसे अपने हस्बैंड को जेलस फील कराना है और वहां से मैसेज करके उसे अपडेट देती है। पहले मरतु उसके मैसेज को लाइटली लेता है लेकिन फिर वह देखता है हरतु अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं है, तो उसे लगता है हरतु एम्प्लॉय के साथ सच में चली गई है। मरतु भागा हुआ उस जगह जाता है, सभी रेस्टोर चेक करता है। एक रेस्टोर में उसे हरतु दिखती है। मरतु देखता है उसकी वाइफ अकेली आई है। मरतु समझ जाता है उसकी वाइफ उसे जेलस कराने के लिए सब कर रही है। यह देखकर मरतु जानकर अपनी वाइफ को फोटो क्लिक करके भेजने को कहता है। हरतु सोचती है फोटो कैसे भेजूं, तो बहाना लगाती है हम बस बाहर निकल गए हैं, अब फोटो कैसे भेजूं। मरतु यह पढ़कर सोचता है क्या करूं अपनी वाइफ का।
और हरतू को रिप्लाई करता है, तुम बहुत क्यूट हो, तो किसी को बोलना मत तुम्हें घर छोड़ने को और जल्दी से घर आ जाओ। हरतू मैसेज पढ़कर खुश हो जाती है, उसे लगता है मरतू जेलस हो गया है, फटाफट से घर भागती है और सोचती है जाते ही उसका हस्बैंड जेलस से पागल होकर उसे हक कर लेगा। पर घर जाकर ऐसा कुछ नहीं मिलता। वह देखती है उसके हस्बैंड पर कोई असर नहीं हुआ। हरतू अपने हस्बैंड को बोलती है, मैं सच में उसके साथ गई थी, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नेक्स्ट टाइम इससे भी हैंडसम लड़की के साथ जाऊंगी। मरतू अपनी वाइफ को बोलता है, तुम फिर से जाओगी क्यों भला? हरतू कोई जवाब नहीं देती। मरतू अपनी वाइफ को बताता है, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। हरतू बोलती है, सुना नहीं, दोबारे बोलना। मरतू अपनी वाइफ को रिंग देता है, शादी के बाद फर्स्ट प्रेजेंट। इसके बाद मरतू ऑफिस में हरतू के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। हरतू के फ्रेंड्स उन्हें साथ देख लेती है। मरतू सिचुएशन से बचने के लिए अपनी वाइफ हरतू को बोलता है, मुझे तुम्हारी फीलिंग्स की कदर है, पर मैं तुम्हें डेटिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, एक कहकर चला जाता है। हरतू देखती है उसका हस्बैंड उसे फंसा कर चला गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारा खे बाय बाय।